ईश्वर ने सृष्टि की रचना एक नायाब बागीचे की तरह की है। भिन्न भिन्न रंगों, सुगंधों और परागकणों से युक्त छोटे छोटे मुस्कुराते खिलखिलाते बच्चे इस बागीचे के फूल हैं। ये बात मुझे मेरे बचपन में ही समझ में आ गई थी, और उसी के साथ ये भी कि अगर किसी देश को बदलना हो तो वहाँ के बच्चों को बेसंस्कार देना प्रारंभ कर दो जैसे तुम चाहते हो। कुछ ही वर्षों में देश अपने आप बदल जाएगा। बस उसी वक्त से मैं इन फूलों में सामाजिकता के वे रंग भरने लग गया जो इन्हें एक सफल नागरिक बनाए। अब चूंकि ये फूल परमात्मा की रचना है और परमात्मा से जुड़ने से पहले मैंने मेरे आदि कई प्रकार की मैं को छोड़ना पड़ता है, इसलिए मैंने भी इस मैं को त्याग दिया। मैंने मैं को मार दिया। मैं विलीन हो गया, फिर पुनर्जन्म हुआ। अब जाना जाता हूँ BCT के नाम से, भगवतुल्ला चैरिटेबल ट्रस्ट। समझे? पहले व्यक्ति था, अब समाज हो गया हूँ। पिछली सारी बातें ज्यों की त्यों याद हैं। उन्हीं पर अमल करते हुए सृष्टि के नायाब बागीचे में नित नए खिलने वाले फूलों में सामाजिकता के वे रंग भरने में व्यस्तता हो गई है जो इन्हें एक सफल नागरिक बनाएंगे। निश्चित ही वो पहले वाला मैं तो नहीं कर पाता, लेकिन ये BCT इतना कुछ कर गुजरा है कि आपको भी अपना मैं भुलाने पर मजबूर होना पड़ेगा, और तत्काल ही इसी प्रकार के पुनर्जन्म की इच्छा जागृत होगी। ये बातें अगर अतिशयोक्तिपूर्ण लगती हैं, तो किसी ने मनाही थोड़ी की है। अपनी आंखों से देख लीजिए। देश के अन्य प्रदेशों की तरह आंध्र प्रदेश के गांवों में भी अशिक्षा पसरी पड़ी थी। चिट्ठी पत्रिका के लिए पढ़ा लिखा व्यक्ति दिया लेकर ढूंढा जाता। अन्य किसी प्रकार के विकास की कल्पना करना तो बेमानी था। BCT के संस्थापक परमेश्वर राम ने इस कलंक को धोने का विचार बनाकर गांव वालों के ही आर्थिक सहयोग से एक छोटे से विद्यालय की नींव रखी। एक विचार से इस विद्यालय की स्थापना तक न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन काम शुरू हो गया। One thing was bothering me primarily, that was what happened to our country. Our country was the greatest, not for 1 year or over the 10 years, for centuries together India had been the greatest country, and India continues to live. But what happened to that greatness? Is it dead and gone? Are we doomed to live like this forever? I didn't know. Secondly, I was also conscious that our country had all resources, very rich soil, all minerals, more than anything else, intelligence of the people. With all these resources, why is it our people are starving? How come so many people are going without food? What happened? Thirdly, villagers are the staple, they are the resources for the country. And why is it we have come to renegade villagers to the back seat and concentrate only on the cities and towns? Fourthly, what is it happening to the educated people? What are they doing if the country is going to talk? Are they not concerned about it? Is there room for educated or is there no room for educated in the villages? इस छोटे से स्कूल के साथ ग्रामवासियों तथा सहयोगियों का विश्वास प्राप्त हुआ, और दिन ब दिन तरह तरह के सहयोगी आपो आप आगे आने लगे। किसी ने अपनी खेतिहर जमीन का भाग स्कूल के लिए दान किया, तो किसी ने आर्थिक सहायता से भवन निर्माण करवाया, तो कोई गरीब अपनी हैसियत के अनुसार मिट्टी का घड़ा देकर ही चला गया, ताकि प्यास लगने पर स्कूल में पढ़ने वाले देश के कर्णधार अपना गला तर कर सके। विद्यालय तो हो गया, लेकिन विद्यार्थियों का फिर भी अकाल था, क्योंकि एक कहावत ग्रामीण माता पिता का पीछा छोड़ती नजर नहीं आ रही थी कि थोड़ा पढ़ा हर से गया और ज्यादा पढ़ा घर से गया। लेकिन इस बात ने BCT के लिए एक नई राह प्रशस्त कर दी, शिक्षा को स्थानीय और ग्रामीण रोजगार उन्मुखी बनाने की। विद्यालय में कृषि कार्य की शिक्षा प्रारंभ हुई। नियमित पढ़ाई के साथ बच्चों को
पौधरोपण से लेकर निराई गुड़ाई व सिंचाई करना सिखाया जाने लगा। घरेलू जानवरों के पालन से डेयरी उद्योग चलाने तक के गुर सिखाए जाने लगे। बीसीटी ने स्कूली शिक्षा को किताबी शिक्षा की जगह मूल्य आधारित बना दिया। इससे एक कदम आगे बढ़कर बेकरी का कालांश हर कक्षा के लिए अनिवार्य विषय बना दिया गया। किसान मजदूरों को इस तरह की शिक्षा अपने बच्चों व अपने हित में लगी। लेकिन जहां सारा परिवार मिलकर सुबह शाम का दाना जुटाता हो, उस परिवार में से एक दो या तीन बच्चों का पढ़ाई में लग जाना घर के कमाऊ पूत का बेकार हो जाना था। अतः बच्चों का स्कूल से वंचित होना फिर शुरू हो गया। ग्रामीण परिवारों की समस्या बीसीटी की समस्या बन गई। लेकिन कहते हैं, बढ़ने वाले कदम रास्ता खोज ही लेते हैं। भूखे का पंचतारा होटल के पकवानों से कोई संबंध नहीं, सिर्फ पेट भर खाना होना चाहिए, वो तृप्त हो जाता है। बीसीटी ने इसका सस्ता, सुंदर और टिकाऊ हल खोज लिया। प्रत्येक परिवार को फल वाले 5 पेड़ लगाने को दिए। आम, पपीता, नारियल, काजू और केला जो घर के आसपास ही रोपे गए। इसके उपरांत उन्हीं किसानों व मजदूरों को चारों ओर फैली पहाड़ी व कटीली जमीन पर मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन जगहों पर अधिक संख्या में यही पेड़ लगवाकर सभी लोगों को बागवान बना दिया और उनके बच्चों को फिर से विद्यालय की अपनी छूटी हुई कक्षा के दर्शन हुए। देश के नौनिहाल फिर से अपने सांस्कृतिक सृजन और शिक्षा ग्रहण करने में मशगूल हो गए। पौधे की जड़ें जितनी मजबूत होंगी, पौधा भी उतना ही फलेगा फूलेगा। भगवतुल्ला चैरिटेबल ट्रस्ट ने अब ये गांठ बांध ली कि बच्चों को शिक्षा के द्वार तक तभी लाया जा सकता है जब उनके परिवार में वर्ष भर आय के स्रोत खुले रहें और कम से कम उन्हें सामान्य जीवन यापन में तो कठिनाई ना हो, क्योंकि अशिक्षा की तरह गरीबी भी चारों ओर पसरी पड़ी थी। ट्रस्ट को सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों से भिन्न भिन्न सामाजिक प्रकल्पों हेतु आर्थिक व अन्य प्रकार की सहायता मिली। एक मुर्गी पालन केंद्र खोला गया। आधुनिक तथा वैज्ञानिक पद्धतियों से विकसित किए गए 5-5 मुर्गी के बच्चे चाहने वाले हर परिवार को बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराए और ये मुर्गियां परिवार की आय का अतिरिक्त साधन हो गई। अपने ही विद्यालय में शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को ग्रामीण युवाओं तथा युवतियों को खुद के पैरों पर खड़ा होने के लिए सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण प्रदान कर सीधे ही रोजगार से जोड़ दिया। विद्यालय की छोटी कक्षाओं में ही तथा महिला मंडल में सिखाए गए चरखे ने इनकी जिंदगी में रफ्तार ला दी। जिस चरखे ने 150 वर्ष की तानाशाह गोरी हुकूमत से आजादी दिलाई थी, वही आज फिर आंध्र प्रदेश में विशाखा जिले के ग्रामीणों को मीठी तान सुना रहा है। कुछ अपनी बुद्धि के कारण और कुछ परिस्थितियों के कारण उच्च शिक्षा के भागीदार नहीं हो पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ट्रस्ट ने 2 अन्य प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया, भवन निर्माण की कारीगरी का व बिजली फिटिंग की कारीगरी का। अपनी अपनी रुचि के अनुसार युवाओं के साथ प्रौढ़ लोगों ने भी बढ़ चढ़कर प्रशिक्षण लेना प्रारंभ किया। यहाँ इन्हें प्रायोगिक प्रशिक्षण के साथ तकनीकी ज्ञान भी दिया जाता है ताकि ये अपने क्षेत्र के कुशल मिस्त्री बने। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें दैनिक भत्ता प्रदान किया जाता है व प्रशिक्षण के उपरांत इनके अति आवश्यक औजार मुफ्त दिए जाते हैं जो इन्हें अपना रोजगार प्रारंभ करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। सृष्टि के बागीचे में नित नए खिलने वाले फूलों में सामाजिकता के रंग भरने और इन्हें सफल नागरिक बनाने का मार्ग
और आसान हुआ। अब आवासीय विद्यालय हैं, जहां ये विद्यार्थी गुरुकुल की तरह स्वयं सेवक बनकर कड़ी मेहनत करते हुए उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होते हैं व भविष्य के सुनहरे सपने संजोते हैं। आपको शायद फिर विश्वास न हो, लेकिन सार्वभौमिक सत्य की तरह सत्य है कि ये विद्यार्थी अपने हाथों से काते हुए सूत के वस्त्र पहनते हैं, दो जोड़ी स्कूल की गणवेश में वर्ष भर निकाल देते हैं। ये कोई शौक नहीं, विद्यालय का कोई कठोर नियम भी नहीं है, तो सिर्फ संस्कार और परिस्थिति दोनों का तालमेल। बीसीटी का आवासीय विद्यालय हो या केवल शैक्षणिक, जीवन में आगे बढ़ने के लिए यहाँ मूल मंत्र एक ही दिया जाता है, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निंद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इन विद्यालयों में ज्ञानार्थ प्रवेश है तो विद्यालय से सेवार्थ प्रस्थान है। लेकिन कोई कितना ही जोर लगा ले, कितनी ही सेवा कर ले, देश को बदलने में गांवों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि गांव एक आत्मनिर्भर इकाई होता है और गांव आत्मनिर्भर बनते हैं खेती से, अधिक पैदावार से। परंतु अनपढ़ और गरीब किसान आधुनिकता के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसे चल सकता है? इन किसानों की समस्या हल हुई केंद्र सरकार के सहयोग से, बीसीटी द्वारा संचालित केवीके की इस प्रयोगशाला से। यहाँ क्षेत्र की भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा का परीक्षण कर उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के तरीके बताए जाते हैं। बीजों का परीक्षण कर अमुक प्रकार की मिट्टी में अच्छी पैदावार के लिए रोपने का मार्गदर्शन किया जाता है। साथ ही आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी देकर किसानों को सुलभ कराए जाते हैं। इस प्रकार भविष्य के सफल नागरिकों के परिवारिक जनों की स्थिति सुदृढ़ हुई। वहीं बीसीटी के महिला मंडलों में महिलाओं के उत्थान का कार्य किया जाता है। ऐसे कार्यों में अपना योगदान देने संस्था के विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त युवाओं ने अपने आप को अध्यापक के रूप में समर्पित किया तो बीसीटी को हजारों कर्मठ कार्यकर्ता मिले और इन युवाओं के रोजगार की समस्या भी आपो आप हल हो गई। फूल तो रात रानी का भी होता है, हार श्रृंगार का भी होता है, जो रात भर खुशबू बिखेर कर भोर होते ही झड़ जाता है। तो वहीं फूल गुलाब का भी होता है, कांटों के बीच में होते हुए भी सुंदरता, खुशबू और टिकाऊपन में कोई जिसका सानी नहीं। इसी प्रकार के ये फूल हैं, जो अपने किसी एक या अनेक अंगों के बेकार होने के कारण अन्य की अपेक्षा कष्ट में हैं, उपेक्षित हैं, किंतु इन्हें दुनिया की रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए बीसीटी ने गले लगाया। स्कूली शिक्षा के साथ इन्हें ऐसा हुनरमंद बना दिया कि ये अपने परिवार का सहारा बन जाए, इन्हें किसी की उंगली थामने की आवश्यकता महसूस न हो। बीसीटी के विद्यालय की नर्सरी में हजारा से पौधों में पानी देते ये नन्हे बालक नहीं जानते कि ये कितने पुण्य का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इस भोलेपन में ही अच्छे कार्य हो जाने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। आज बीसीटी के द्वारा संचालित शैक्षणिक विद्यालयों की संख्या 160 तक पहुंच गई है, जहां 7,500 छात्र अपना भविष्य संवार रहे हैं। तो वहीं एक आवासीय विद्यालय व एक विकलांग विद्यार्थियों के लिए विद्यालय है, जहां क्रमशः 120 व 20 छात्र छात्राएं हैं। यहां के व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों से 2,539 महिला पुरुष कृषि व सामाजिक वानिकी व गैर खेतीहर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं तथा
56 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। बीसीटी ने अपने भागीरथ प्रयासों से 12,826.27 एकड़ पथरीली व बंजर भूमि को खेतीहर व उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर 53,35,827 पेड़ लगाकर एक हरित क्रांति का सूत्रपात किया है। उस एक अकेले मैं का पुनर्जन्म हुए बीसीटी को 31 वर्ष बीत गए, फिर भी अभी तो बच्चा ही है। आखिर बच्चों में जो रहता है और हमेशा बच्चा ही बने रहने में लाभ भी है, क्योंकि जवानी के बाद बुढ़ापा और अंत निश्चित है। अंत नहीं, नहीं, ऐसे सामाजिक कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं का बने रहना उतना ही आवश्यक है जितना इस सृष्टि के लिए ये बचपन। चूंकि ये दोनों ही किसी भी हलाहल से अछूते हैं, तभी तो बीसीटी के विद्यालयों की ओर ये बालक बाहें फैलाए चले आ रहे हैं। फूलों के साथ नहीं, सृष्टि के बागीचे में नित नए खिल रहे और बीसीटी के शिक्षा केंद्रों में तराशे गए फूलों के गुलदस्ते के साथ। नमस्कार।